संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा कर रहे हैं कि आपको वीडियो थोड़ी बहुत लाभकारी अवश्य सिद्ध हो रही होंगी। पुस्तकों के साथ अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो जाती हैं चीज़ें। खैर, आज हम एक नया विषय लेकर के आए हैं और सरल है, कुछ समय के बाद आपको बहुत ही सरल लगने लगेगा। आप ये मान के चलिए कि इसको सरलतम विधि से समझाने का हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आ जाए। नाम है इसका दशरूपक। धनंजय की कृति मानी जाती है ये। नाम तो वैसे ये जुड़वा भाइयों की तरह लिया जाता है, धनिक धनंजय, लेकिन धनंजय जो है इसके दो भाग हैं, कारिका और वृत्ति। जैसे हर एक में होता है लगभग, तो जो कारिकाएं लिखी हैं वो धनिक धनंजय ने लिखी हैं और उस कारिका पे जो वृत्ति दी है वो धनिक ने दी है। ये दोनों भाई थे। तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं रूपक के बारे में, अर्थात इसको एक आम भाषा में रूपक नहीं बोलते हैं, आम भाषा में इसको नाटक ही बोल देते हैं, जबकि रूपक का एक भाग है नाटक। दस भाग हैं इसके रूपक के, वो देख लेते हैं, है ना। दश रूपक, इसके थोड़ा सा इतिहास में चलेंगे, जानेंगे कि नाटक की उत्पत्ति हुई कैसे और कहां से शुरू हुई, किसने शुरू की, और फिर हम सीधे धनंजय जी के पास आएंगे। आज सिर्फ हम भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। मेरी प्रथम वीडियो भूमिका ही रहती है और भूमिका में थोड़ी सी उसके इतिहास में जाने का हम प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो नाटक की उत्पत्ति हुई है, जैसे हमने व्याकरण जब पढ़ा था तो व्याकरण में संप्रदाय पढ़े थे दो संप्रदायों के बारे में, ऐन्द्र संप्रदाय और माहेश्वर संप्रदाय। तो माहेश्वर संप्रदाय के जो संस्थापक थे या प्रवक्ता थे एक तरह से, वो महेश्वर माने जाते हैं, भगवान शंकर माने जाते हैं। ऐन्द्र संप्रदाय के ब्रह्मा जी माने जाते हैं और वेदों के सभी जो कर्ता माने जाते हैं एक तरह से, वेदों की जिसने रचना की वो ब्रह्मा जी को ही माना जाता है। हालांकि उनको अपौरुषेय माना गया वेदों को, लेकिन वेदों के जो ज्ञान दिया था वो ब्रह्मा जी ने दिया था, ऐसा माना जाता है। तो नाटक की जो व्यवस्था दी है वो उसमें भी ऐसा ही चर्चा की गई है कि त्रेता युग में ब्रह्मा जी ने नाटक से संबंधित व्यवस्थाएं दी, नाट्यशास्त्र की व्यवस्था की, और इसको नाट्यशास्त्र जो नाम दिया नाट्यवेद, नाट्यवेद के नाम से ये जाना गया, अर्थात ये पंचम वेद के नाम से मशहूर हुआ। इसमें चार अंग हैं, एक है पाठ्य, दूसरा है गीत, तीसरा है अभिनय, चौथा है रस। नाटक में ये चार चीजें होती हैं। रूपक की बात नहीं कर रहा, थोड़ी सी अब नाटक पर ध्यान देंगे तो मस्तिष्क में सही से बैठ जाएगी। क्या होता है कि जो चीज हम जीवन में याद करते रहते हैं चीजों को, तो वो अच्छे से बैठ जाती हैं। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ नाटक शब्द का प्रयोग करूंगा। रूपक का एक प्रथम भाग नाटक के रूप में ही है, तो उसको अब चित्रित करिए मस्तिष्क में, जिससे कि रूपरेखाएं बनती चली जाएं। तो उसमें चार भाग होते हैं। पाठ होता है, पाठ को एक तरह से मानिए कि संवाद, ये और सरल हो जाएगा थोड़ा सा, पाठ समझ नहीं आता, या डायलॉग जिसको बोलते हैं, ठीक है। गीत तो जानते ही, अभिनय हम सब जानते हैं, रस को जानकारी प्राप्त कर ही रहे हैं, कर लेते हैं, पढ़ने वाले सब जानते हैं रस, कक्षा सही से 9 से शुरू कर दी जाती है रस पढ़ाना। तो ये चारों हैं जब, और ये चारों वेदों से लिए गए हैं। ये जो प्रथम लिया है वो ऋग्वेद से लिया है, द्वितीय जो गीत लिया है सामवेद से लिया है, तृतीय जो लिया है वो यजुर्वेद से लिया है। हालांकि ये क्रम थोड़ा सा बदल गया है, रिज यूज साम ऐसा होना चाहिए था, गीत यहां पे आना चाहिए। खैर कोई बात नहीं है, आप सब जानकार हैं। चौथे स्थान पर जो अभिनय लिया गया है वो अथर्ववेद से लिया गया है, ठीक है ना। रस कहां से लिया गया, अथर्ववेद से, अभिनय यजुर्वेद से, और गीत सामवेद से, पाठ जो डायलॉग जो लिया गया है वो
ऋग्वेद से लिया गया है। इस तरह से इसकी चर्चा की गई है और इसमें दो भाग हो जाते हैं नाट में आगे चल करके। एक है विश्वकर्मा, उन्होंने नाट्य गृह की रचना की थी, याद रखना है, नाट्य गृह बनाया। और दूसरे हैं भरत, इनको भरत मुनि प्रयोग किया जाता है। इन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की, नाट्य शास्त्र जिन्होंने लिखा है, ठीक है, भरत मुनि वो हैं। इन्होंने क्या किया, अभिनय की व्यवस्था की, अर्थात इन्होंने अभिनय को दिया लोगों को। अब मंच हमारे पास तैयार था और अभिनय के लिए व्यक्ति तैयार थे, तो अब नाटक किया जा सकता था, अर्थात उसको मंचन किया जा सकता था, उसका नाट्यगृह और अभिनय दो चीज मिल गई। अब इन्होंने क्या किया, 100 शिष्य और अप्सराओं को इसकी शिक्षा दे डाली अभिनय की। इस तरह से नाटक की व्यवस्था शुरू की गई, शुरू में ऐसा माना जाता है। आगे थोड़ी सी और चर्चा करेंगे इस पर, इसका तो इतिहास लगभग इतना ही है, और अगर विस्तृत में देखा जाए तो बहुत मिल जाएगा आपको इतिहास। सारे संवाद सूक्त को अगर उठाया जाए तो ऋग्वेद में भी सबसे पहले नाटक की हमें चर्चा करने को मिल जाती है, अर्थात वहाँ नाटक की व्यवस्थाएं पहले से थी। खैर हम उस पर नहीं जाएंगे, इतनी छोटी सी व्यवस्था है। आपको ये याद रखना है मुख्य रूप से, पाठ गीत अभिनय रस, पाठ जो है ऋग्वेद से लिया गया है, गीत सामवेद से लिया गया है, अभिनय यजुर्वेद से, और रस अथर्ववेद से लिया गया है, ये इसकी व्यवस्था है। विश्वकर्मा ने नाट्य गृह की व्यवस्था दी अर्थात उसकी रचना की, और भरत मुनि ने जिन्होंने नाट्य शास्त्र पुस्तक लिखी है उन्होंने अभिनय को रचित किया अर्थात अभिनय की शिक्षा दी, 100 शिष्य लगभग अप्सराओं को उन्होंने शिक्षित किया, इस तरह से ये व्यवस्था है। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसी में आगे चर्चा की गई है, जो भरत मुनि हैं इन्होंने जो नाट्य शास्त्र जो लिखा, क्या इनसे पहले भी कोई आचार्य थे जिन्होंने नाट्य शास्त्र से संबंधित कोई पुस्तक लिखी? तो थोड़ा हम व्याकरण में जाते हैं तो वह पाणिनी जी हैं। पाणिनी ने क्या किया है कि दो नाम दिए हैं, शिलालिन और कृशाश्व। दो नाम दिए हैं तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने कुछ नट सूत्रों की स्थापना की। पाश्चात्य विद्वानों का ऐसा मानना है, हिलब्रांड इसमें मुख्य हैं, कि ये जो व्यवस्था थी वो कोई नट थे उनके लिए छोटे मोटे कोई ग्रंथ लिख दिए गए होंगे, ऐसा इन्होंने माना है। कीथ वगैरह ने भी ऐसा ही माना है। कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकलता है कि नाट्य शास्त्र से प्राचीन कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता, हालांकि अभिनव गुप्त हुए हैं। अभिनव गुप्त जो इनके टीकाकार हैं नाट्यशास्त्र के, इन्होंने भी एक संग्रह नाम का संग्रह है एक, शायद उसकी जिक्र किया है, एक और एक पुस्तक है इन्होंने, दोनों का जिक्र किया है, लेकिन कोई भी यहां पर ठोस प्रमाण के साथ नहीं है। इसलिए भरत मुनि जो है नाट्यशास्त्र के प्राचीनतम विद्वान हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, जो भी नाम देना चाहें। यहां से फिर शुरुआत होती है, उसी की आगे परंपरा में या व्याख्या जो की गई है इसमें, एक थोड़ी सी और चर्चा करते चले। जैसे अभिनव गुप्त हैं, इन्होंने इसकी व्याख्या की है नाट्य शास्त्र की, इसी में एक उद्भट भी हैं,
इसी की व्याख्या में। एक शंकुक हैं, लोलट हैं, इसी में भट यंत्र हैं, भट नायक हैं, सुबंधु हैं, ऐसे करके बहुत सारे नाम मिलते हैं और आप पुस्तकों से और अच्छे से याद कर सकते हैं। इसी में एक वार्तिक भी लिखा गया, ऐसा माना जाता है, एक वार्तिक लिखा गया और उस वार्तिककार का नाम श्री हर्ष या हर्ष मिलता है। ठीक है, इस तरह से ये इनकी व्यवस्था दी गई है और इनके आधार पर फिर सारे जितने काव्य हैं नाटक की व्यवस्था की गई है। नाटक के जो ग्रंथ लिखे गए बहुत सारे लिखे गए हैं, हम सभी पर चर्चा नहीं करेंगे, हम सीधे इसी के आगे की जो परंपरा है धनंजय कृत दशरूपक उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और धनंजय के बारे में जानेंगे। ठीक है, धनंजय, धनंजय का थोड़ा सा परिचय देखते हैं। इसमें कभी कभी ऐसा लग जाता है कि जब भूमिका मैं पढ़ाता हूं या बताने का प्रयास करता हूं तो उसमें थोड़ा सा क्रम गड़बड़ा जाता है। वो क्रम इसीलिए गड़बड़ा जाता है कि कहीं कोई भी चीज भूमिका में क्रम से नहीं दी गई होती है। आप भी जब अध्ययन करेंगे किसी पुस्तक में तो पता चलेगा सारे साक्ष्यों को इकट्ठा किया जाता है जगह जगह से, तब जाकर के वो भूमिका। कालिदास को अगर पढ़ाना हो, उनका जन्म निकालना हो कि कब हुआ था, तो कितनी तीन सिद्धांत लिए जाते हैं उसमें, फिर ढूंढ ढूंढ के निकालते रहो। इसलिए क्रम इसमें भी सारी भूमिकाओं में ऐसा ही होता है, प्राचीन आचार हैं तो क्रम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन कोशिश ये करता हूं कि नहीं हो। आप बातों को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको दिमाग में यदि कोई चीज समाविष्ट हो गई, बैठ गई, तो वो याद हो जाएगी, कंठस्थ हो जाएगी और वो आप फिर कर सकते हैं प्रश्न को, कोई समस्या नहीं होगी। तो धनंजय जो है इनके बारे में कोई खास चर्चा नहीं है, या ये मानिए कि इनका साफ मिल जाती है सारी चीजें। इनके जो पिता थे वो विष्णु थे, विष्णु के ये पुत्र थे। धनिक भी इनके भाई हैं, याद रखना है ना, धनिक इनके भाई हैं। लगभग एक जैसी है दोनों की जीवनी, एक ही साथ रहते थे ये, और ये परमार के परमार वंश में एक राजा हुए हैं मुंज, उनके दरबार में रहा करते थे। ऐसे लगभग दो से तीन विद्वान उसमें रहा करते थे। एक तो हो गए तुम्हारे धनंजय, दूसरे हो गए धनिक, तीसरे हो गए धनपाल। ये तिलक मंजरी जिन्होंने लिखी है। चौथे हो गए हलायुध और पांचवें हो गए पद्म गुप्त। ये हलायुध जो है वो कोश लिखा है इन्होंने, हलायुध कोश। नव सहसांग चरित जो लिखा है वो पद्म गुप्त है वो। तो इस तरह से ये पांच विद्वान मुंज के दरबार में रहा करते थे। क्रम से दे देता हूं कुछ बातें जो कभी कभी इनमें से पूछ लेते हैं प्रश्न, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। और मुंज के जो नाम दिए हैं मुंज के नाम भी बहुत सारे हैं, जैसे इनको यहीं पे लिख देते हैं मुंज के नाम। एक इनका नाम मिलता है वापति, दूसरा इनका नाम मिलता है वापतिराज, तीसरा नाम मिलता है इनका उत्पल राज, चौथा इनका नाम मिलता है पृथ्वी बल्लव, पांचवा जो नाम मिलता है इनका
अमोघ, वर्ष, इस तरह से नाम मिलता है। ये पांच नाम मिलते हैं। आगे थोड़ी सी और चर्चा में आगे बढ़े तो इनका जो समय दिया है, परिचय में चल रही है बात है, ये मुंज के नाम हैं, थोड़ा सा याद रखना है। फिर वही बात आ जाएगी, थोड़ा सा क्रम बिगड़ जाता है, अब इसमें लिखना तो यही चाहिए था बराबर में। और ये इनके मुंज के दरबार में रहने वाले ये लोग हैं, विद्वान हैं, ठीक है, थोड़ा सा इनको याद रखेंगे। आगे इनका काल, समय जो दिया है किसका दिया है, यहां पर थोड़ा मुंज का समय याद रखना है। ये समय किसका है, मुंज का। ये ब्यूलर के अनुसार है, डॉक्टर ब्यूलर, उन्होंने दिया है 974 से 995 तक इन्होंने राज किया, और तेलपा द्वितीय ने इनको हरा दिया था, परास्त कर दिया था। ये इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा है। अब थोड़ी सी और अगर मुंज के बारे में और चर्चा करना चाहूं, राजा की चल रही है, धनंजय और धनिक की तो खत्म होगी, इसमें कुछ बचा ही नहीं है, ही नहीं है उसमें कुछ बताने के लिए। ये इसके अनुसार ही इनका समय निकाला जा सकता है, इनके दरबार में है तो ये यही होंगे, ठीक है। इनके दरबार में एक भोज, इनके भतीजे थे भोज, आपने शायद नाम सुना हो, भोज प्रबंधिनी के नाम से लिखा गया है। तो राजा भोज हुए, वो भी बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान थे। इनके एक और वंशज हुए हैं, ऐसे करके इनके वंश में, राजा मुंज के वंश में बहुत सारे विद्वान हुए हैं। तो इनके बारे में अधिक जानकारी नहीं लेंगे, अब सीधे हम धनंजय जी के जो दशरूपक है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसमें क्या दे रखा है, ठीक। दशरूपक, दशरूपक के बारे में ये माना जाता है कि इसका जो पहले जो नाम रहा होगा, ये हास है एक विद्वान, हास के अनुसार इस तरह से, तो इन्होंने इसका दशरूप नाम लिया है, दशरूप, ठीक है, ये नाम रहा है इसका। एक जो पुष्टि करते हैं वो धनिक की, जब वो आप देखेंगे वृत्ति, तो उनकी किस नाम से लिखी हुई है, दश रूप अवलोक, अर्थात दश रूप अवलोक के नाम से लिखी हुई है, दश रूपावलोक इस नाम से वृत्ति लिखी हुई है, ठीक है। अब ये जो रूपक बना है दश रूपक, जब मैं इसका मुख्य मुद्दे पे चलेंगे, हम मुख्य पे कारिकाओं का अध्ययन करेंगे, तब पता चलेगी। नाट, नाट से रूप बना, रूप से रूपक बना, इस तरह से बना है, ठीक। चलिए अब दशरूपक के बारे में थोड़ी सी चर्चा और करते चलें, तो इसमें सीधे धनंजय ने कहा है कि ये जो दशरूपक है वो नाट्य शास्त्र का ही संक्षिप्तीकरण है, अर्थात बहुत संक्षिप्त रूप से समझाया है किसको, नाट्य शास्त्र को, इसके रूप में, यानी दशरूपक में क्या किया है, नाट्य शास्त्र को बहुत संक्षिप्त रूप में समझाया गया है, ये इसमें प्रथम बार में दे दिया गया है। दूसरी चीज, इसमें जो प्रकाश पाठ का नाम क्या है, प्रकाश है, और प्रकाश कितने हैं, चार हैं। तो प्रथम प्रकाश में जो बात की गई है, इसमें जब रूपक की बात है तो प्रथम प्रकाश में सबसे पहले रूपकों का ही वर्णन किया गया है, तो इसमें रूपकों के भेद, भेदकों के बारे में व्यवस्था दी गई है। दूसरी चीज इसमें क्या दी गई है, 64 संधि के अंग हैं, उनके बारे में इसमें विशद चर्चा की गई है, अर्थोप क्षेपक हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी गई। तो प्रथम प्रकाश का हम पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे, उसमें रूपक हैं, 64 संधियां हैं, अर्थोप क्षेपक हैं, अर्थोक्षेपक के बारे में जानेंगे, जो विस्कम्भक वगैरह होते हैं, चूलिका वगैरह होती हैं, वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं, वो हम आगे देखेंगे। दूसरा जो है इसमें नायक नायिका के बारे में
बताया गया है और उनकी नाटक नाट्य वृत्तियों के बारे में चर्चा की गई है। द्वितीय प्रकाश, ठीक है, तृतीय प्रकाश में क्या किया गया है, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, तृतीय प्रकाश और प्रथम प्रकाश ये दोनों आएंगे। इसमें जो रूपक हैं उनके प्रमुख नाटकों का विशद विवरण दिया गया है, अर्थात उसको विस्तृत रूप से समझाया गया है, तो उसको जानकारी हम इसमें लेंगे, क्योंकि प्रथम प्रकाश और तृतीय प्रकाश दोनों हमारे सिलेबस में आता है। इसमें चतुर्थ प्रकाश है, इसमें रसों के सिद्धांतों, रस का पूरा विवरण दिया गया है, ठीक है। तो ये ही बात कर ली थी आज, कोई खास नहीं है, हो सकता है ज्यादा समय लग गया हो, लेकिन ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये इनमें से प्रश्न बन जाते हैं और फिर हमें समस्या उत्पन्न होती है। इनकी अगर दशरूपक में अगर थोड़ी सी व्याख्याओं पर चलें तो हमें पता ही है, धनिक तो है ही है वृत्ति लिखने वाले, धनिक के साथ साथ कुछ और भी हैं, बहुरूप मिश्र भी हैं, बहुरूप भट्ट हैं ये, दूसरे स्थान पर आते हैं नरसिंह भट्ट, तीसरे स्थान पर हैं क्षौणीधर मिश्र, चौथे हैं देवपाणी और पांचवें हैं कुर्वराम। इस तरह से ये लेखक हैं, लेखक क्या इनके व्याख्याकार हैं दशरूपक के। और उम्मीद करूंगा ये छोटी सी चर्चा थी, आप बहुत स्पीड से भी देख सकते हैं इसको निकाल के, कोई खास नहीं चर्चा है, फिर भी आपको थोड़ा सा ये लाभ अवश्य देगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।